देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। खबर आ रही गुजरात के वलसाड जिले के उमरगांव से, जहां पर एके प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले लिरिकल डांस बैटल शब्द युद्ध का धमाकेदार आयोजन किया गया, जिसमें कुल 47 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कई प्रदेशों से आए प्रतिभागियों ने बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया। हम आपको बता दें, उमरगांव में ऐसा कार्यक्रम पहली बार आयोजित किया गया था। इसका पूरा श्रेय अमन अजय चौरसिया को जाता है, जिन्होंने ऐसा आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ जय माताजी सेवा संघ के संस्थापक श्री भगवान भाई भरवाड़ और छठ पूजा सेवा समिति उमरगांव के ट्रस्टियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस मौके पर भगवान भाई भरवाड़ ने कार्यक्रम की तारीफ करते हुए आयोजकों को बधाई दी और भविष्य में कभी भी ऐसे आयोजन के लिए हर संभव मदद करने की बात कही। बाद में सभी प्रतिभागियों ने अपना अपना प्रदर्शन किया। प्रोग्राम में जज मोहन सिंह ने फर्स्ट विनर के रूप में इसाक खान के नाम की घोषणा की और रनर अप राजीव उज्जैन वाला बने। ये दोनों मुंबई से आए थे। प्रोग्राम के जज मोहन सिंह से बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ राकेश मिश्रा ने। कैमरामैन राजकुमार के साथ उमरगांव से हमारी एक खास रिपोर्ट। हौसला अफजाई करने के लिए और सबको ऐसे पावर आ जाए, सब साथ में एक बार। नमस्कार सभी को, और यहाँ पे छठ पूजा सेवा समिति को सम्मान करने के लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और आज का कार्यक्रम बेहतर हो, सफल हो, ऐसी शुभकामना करते हैं हम लोग। आगे हमारे अनाउंसर बहुत बेहतर बोल रहे हैं, तो इनके आगे हमको बोलना थोड़ा फीका लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आगे बढ़िए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए, हम लोग आनंद लेते हैं बैठ के। ओके, धन्यवाद। तो भाई इतनी तारीफ सुन के मेरे खुद को ऐसा शाहरुख खान फील कर रहा हूँ। ओके, लास्ट वन हमारे पापा चौरसिया समाज की तरफ से, चौरसिया परिवार की तरफ से तहे दिल से शुक्रगुजार है। पर चौरसिया परिवार ने एक ऐसा सोचा जो उमरगांव में आज तक किसी ने नहीं किया, उसके लिए हमन और उनके सारे परिवार को बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयां। क्यों ऐसा, बहुत सारे प्रोग्राम उमरगांव के अंदर होते हैं, लेकिन ऐसे प्रोग्राम आज जो उन्होंने सोचा और जो करने जा रहे हैं, ऐसा प्रोग्राम आज तक नहीं हुआ। इसके लिए उनको तहे दिल से हमारा धन्यवाद, और जहां उनको हमारे लगेगी वहां हर कोई प्रोग्राम के लिए। आज उन्होंने ईस्ट में किया है, हम चाहते हैं कि वो हर जगह पे, जहां हर स्टेट से जो बच्चे आए हैं और जिन्होंने जो इसमें पार्टिसिपेंट हुए हैं, उन सबको हमारे सभी माननीय गण की तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट, और आप खूब तरक्की करो, हर जगह पे आपका नाम हो और हर कोई आपको इस नए और पहले किसी के पास कोई भी हो, आईएएस अधिकारी या कोई भी, हर किसी की एक पहचान है उस इस दौर में और इस समय के अंदर। आप लोग ने जो चूज किया है वो कोई गलत स्टेप आपका नहीं है, इसके लिए कब जीरो से हीरो बन आगे शब्दों की युद्ध के लिए ऐसा कार्यक्रम हो रहा है। और हमारे साथ हैं इस कार्यक्रम के जज मोहन सिंह जी, और कार्यक्रम का नाम है शब्द युद्ध। तो मैं जानना चाहूँगा कि शब्द युद्ध जो ये नाम दिया गया है, इसके बारे में हमारे जज साहब भी बताएं कि इसका क्या मतलब है, और आज के कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दें कि क्या है इस कार्यक्रम के बारे में, आज का ये कार्यक्रम कैसा रखा गया है, इसका जानकारी आप दें। तो पहले तो मैं ये बोलूँगा कि शब्द युद्ध का मतलब मेन जिसके ऊपर ये बैटल रखा है, लिरिकल बैटल। तो लिरिकल मतलब हो गया शब्द और उसका बैटल है, मतलब युद्ध। तो ये शब्दों का युद्ध है और ये बहुत अलग लेवल पे बैटल हो रहा है, और फर्स्ट टाइम उमरगांव में इतना बड़ा बैटल हो रहा है। और आप स्टेज देखो, आप ऑडियंस देखो, आप मैनेजमेंट देखो, इतना अच्छा है। और ये एक कॉन्सेप्ट है,
मतलब जैसे हमारे WWE के रेसलर वाला कॉन्सेप्ट है, वो वाला कॉन्सेप्ट प्रेजेंट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम इन इंडिया, फर्स्ट टाइम हो रहा है इंडिया में ये ऐसा एक लिरिकल बैटल। और उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ उमरगांव का जो इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आया, और मैं उनकी टीम का, आयान भाई की टीम का, और सच्ची बोलूँ AK प्रोडक्शन ने इतना अच्छा काम किया है, इतना अच्छा काम किया है, ये शब्दों का युद्ध बहुत ज़्यादा फैलेगा। कहाँ कहाँ के बच्चे यहाँ पर लगभग आए हुए हैं? मैं खुद पहले तो मुंबई से आया हुआ हूँ, और दूर दूर से लोग आए, गोवा से आए, मंदसौर से आए, UP से आए, बहुत बहुत दूर दूर से लोग आए यहाँ पे, अपने आप को प्रूफ करने आए यहाँ पे। कंपटीशन ऐसा नहीं है कि बहुत एक दूसरे को मारना था, स्टेज वैसा बना है, बाकी सब यहाँ शब्दों का युद्ध। कितने बच्चे? 47 से 50, मतलब 80 बच्चे भाग लिए थे, लेकिन उसमें से जो बेस्ट है वो 47, 50 लोग तक निकाल लिए, तो 50 लोग परफॉर्म करने वाले। उसमें से किसी एक को विनर, हाँ उसमें से किसी एक को विनर घोषित किया जाएगा, और उसको टाइटल मिलेगा जो आपने देखा वो टाइटल इतना बड़ा, और दूसरी चीज उसको कैश मनी मिलेगा, और तीसरी चीज ये है कि मैं उसके साथ कोलैब भी करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जैसा कि आपने सुना कार्यक्रम के बारे में, यहाँ का कार्यक्रम कैमरा राजकुमार के साथ मजा आने वाला है।